चलिए, तो आज के इस आर्टिकल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आर्टिकल है भारत में शिक्षा और समाज का विपथगमन। विपथगमन का मतलब होता है कि गलत रास्तों पर चलना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो पूर्व निर्धारित मानक हैं उन तरीकों से हटकर चलना, यानी कि गलत तरीकों पर चलना। या गलत रास्ता चुनना। देखेंगे इसमें कि किस संदर्भ में भी बात की जा रही है, इसका एक सामान्य परिचय भी देख लेंगे हम लोग। भारत में शिक्षा की स्थिति को के बारे में भी हम लोग जानेंगे। शिक्षा तथा समाज में विपथ गमन का कारण क्या है, इन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपके मन में भी कोई विचार हो तो नीचे आप लिख सकते हैं। पिछले कुछ समय से हो रही घटनाओं में जिस प्रकार शिक्षित लोगों द्वारा समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, वह शिक्षा तथा समाज में विपथ गमन को इंगित करता है। यहाँ एक शब्द यूज किया जा रहा है, देखिए, शिक्षित लोगों द्वारा, यानी कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने आज के सामाजिक परिवेश को जिस रूप में प्रस्तुत किया, वह निश्चित ही शिक्षा और सामाजिक ताने बाने में विरोधाभास का सूचक है। उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या कर लेना, बाबा राम रहीम जैसे गुरुओं को बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा होने पर भी अनुयायियों द्वारा, यानी कि उनके भक्तों द्वारा खुला समर्थन करना, फिर चाहे आपने देखा होगा कि बापू, आसाराम बापू के भी भक्त खुले रूप से समर्थन करते हैं। जाने मानी पत्रकार गौरी लंकेश का बेंगलोर जैसे आधुनिक व शिक्षित समाज के बीच अपनी मुखर व स्वतंत्र अभिव्यक्ति की कीमत अपने दिन दहाड़े कत्ल से देना, राजधानी दिल्ली सहित संपूर्ण देश में बढ़ रही बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं, नागरिकता संशोधन हिंसात्मक विरोध, गैर न्यायिक हत्याओं को समर्थन देना, समाज का एक तबका निसंदेह 70 वर्ष पुराने लोकतंत्र की नींव रखने वालों ने कभी इस परिदृश्य की कल्पना भी नहीं की होगी। आज सोचिए, मुझे लगता है आज का जो परिदृश्य बन चुका है, इसे देखकर अगर गांधी जी बापू जी आपके होते तो अपने आप को माफ ना कर पाते कभी। आप जिस तरह से स्थिति देख रहे हैं कि गरीब, आपने लॉकडाउन के समय में भी देखा है किस तरह से गरीबों की जितनी बुरी स्थिति हो सकती थी उतनी बुरी स्थिति हुई। मुझे सबसे बुरी स्थिति उस घटना की लगी, एक वो टैंकर में आपने देखा है कि जो रोलर वाला गिट्टी और सीमेंट में लाने वाला टैंकर नहीं होता है, इसमें लोग भर के आए। और दूसरी स्थिति हमें सबसे बुरी, भयंकर, अंदर तक झकझोर देने वाली थी, महिला का रोड पर बच्चे को जन्म देना। लॉकडाउन के दौरान एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया रोड पर, यानी कि इतना भी समाज में आप सोचिए कि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया कि उसे अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करा देते या फिर मतलब उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते, इतनी भी इंसानियत नहीं रहेगी। और आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, अपने आप को पढ़े समझते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता है, कि अब ये धरती रहेंगे लेकिन इस पर इसी तरह की महामारियों का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इंसानियत ना रहे बिल्कुल। एक तरह से आप सोचिए कि उस महिला का जन्म देना हमारे इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना है, क्योंकि आप सोचिए कि एक मदद इंसानियत के नाम पर भी किसी ने मदद नहीं की। और अभी आपने सुना होगा लॉकडाउन के समय बहुत बुरी तरह से आप प्रभावित हुए हैं गरीब, और बहुत बुरी तरह से इंसानियत पर धब्बा लगे, क्योंकि आपने देखा सुना होगा कि एक दिल्ली से चलती है भाई बहन और वो प्यास से, पानी से, यानी कि प्यास से मर जाते हैं। इतना सोचिए, आपकी गांव में चलते चलते किसी भी रास्ते में किसी व्यक्ति ने उन्हें पानी नहीं पिलाया। इससे बुरी स्थिति शायद मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगी। और आपके जो नेता हैं उनका तो 70 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आप किसी एक क्षेत्र को देख किए उसे समझिए, केवल हिंदू मुस्लिम और लड़ाने के काम पर वो अपनी राजनीति में रोटी सेंकते आए हैं वोट बैंक की। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। चाइना हमसे बाद में जाके आजाद होता है, सिंगापुर को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, आप लोग जापान को ले लीजिए, 2 बार परमाणु बम झेलने के बाद भी विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ के नेताओं को देखिए,
कि गरीबी पर 70 साल से राजनीति चल रही है, आज भी चल रही है। और अभी आप देखिए, समय में सबसे बड़ा भक्त होगा, मैं किसी पार्टी का पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी, फिर चाहे कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य किसी पार्टी के भक्तों की बात अगर हम लोग करें, तो सबसे बड़ा भक्त पार्टी होगी, मतलब भक्त समूह होगा किनका, पढ़े लिखे लोगों का। यानी कि पढ़े लिखे लोगों का, तुम्हारा पढ़ने लिखने का मतलब क्या है जब आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो आपके पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? आपने किसी मंत्री या विधायक, किसी, मैं तो कहता हूं किसी भी को, XYZ, आपने रोड पर किसी की मदद करते हुए देखा है लॉकडाउन के समय? अगर आपको आपके क्षेत्र में इस तरह की मदद की है किसी नेता ने, तो उसे भगवान मानिए, वैसा नेता कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तो नहीं दिखा रोड पर। समाज सेवी संगठन देखे हो, समाज सेवी जो व्यक्ति हैं अपनी पर्टिकुलर समाज सेवा करते रहते हैं, उनने बहुत मदद की है, बढ़ चढ़ कर मदद की है गरीब लोगों की। एक क्षमतावान कलाकार तथा कथित उच्च वर्ग शिक्षित भी द्वारा मनाई गई व्यवस्था त्रस्त होकर आत्महत्या करता है। एक बुद्धिजीवी और पिकार पत्रकार को सत्ता तंत्र के विरुद्ध आवाज बुलंद करने पर खुलेआम घर में घुसकर गोलियां मार देना और फिर अंधविश्वास की पराकाष्ठा पर चढ़कर बलात्कारी बाबा द्वारा लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भी जन समर्थन मिलना, शिक्षण संस्थाओं में नन्हे बच्चों की निर्मम बलात्कार बहत्या को हो जाना, इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में एक आदर्शकारक कार्य कर रहा है। वह है कुछ नहीं बल्कि मूल भेद, शैक्षिक व्यवस्था, संविधान शून्य, सामाजिक ढांचे और नैतिक मूल्यों का पतन। अब आप लोगों से क्या मतलब बोले, आप ही सोचिए कि पत्रकार, जो ईमानदार पत्रकार अभी बचे हुए हैं, उन पर आप देखते हैं किस तरह से कटाक्ष किए जाते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, कई पत्रकारों को मार भी दिया जाता है। और बाकी जो सरकार के पक्ष में रहते हैं, फिर चाहे अभी किसी भी पार्टी रहे केंद्र में या फिर राज्य में किसी की भी पार्टी रहे, उसके पक्ष में नहीं रहते हैं तो उन पत्रकारों को बुरी सजा मिलती है। अगर जो पत्रकार यानी कि चाटुकारिता करते रहते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर है, आप देखिए किस तरह से। और आप सोचिए कि पत्रकारों को, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर सबसे बुरी स्थिति, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन जिस तरह से अभी मीडिया अपना कर्तव्य निभा रही है, ये हमारे देश के लिए इससे बुरी स्थिति कभी नहीं हो सकती। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपके देश को पीछे ले गया है कोई, पीछे धकाला है, धकेला है, तो दो ही तीन लोगों ने, एक नेताओं ने, दूसरा आपकी मीडिया ने, तीसरा अंधभक्ति ने। राम की पूजा कीजिए, मैंने कभी नहीं बोला है कि राम की पूजा मत कीजिए, मन में पूजा आस्था रखिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप राम राम के नाम पर वोट देने लग जाए। वोट काम के नाम पर दीजिए, भक्ति आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को मानना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति करना कहीं की अच्छी बात नहीं है। और नेताओं की तो क्योंकि मतलब ही होते हैं, उन्हें तो अपने वोट बैंक से मतलब लेता होता है, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, फिर तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह गया? और याद रखिए, अभी और भयानक स्थिति होगी। अभी तो आपने देखा है कि चलिए अभी गरीबों पर ही असर पड़ा है, एक समय आएगा कि सब पर असर पड़ेगा, कोई नहीं छूटेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब धरती पर इस तरह के जो भी महामारी हो, फिर चाहे आपदाएं हो, आती रहेंगी अब। क्योंकि जब आप सोचिए कि जब कोई इंसानियत ना रही हो, तो क्या मतलब होता है? उस कुत्ते जैसा हाल हो गया हमारा कि ये खड्डी के पीछे कुत्ता भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसे खुद पता नहीं है कि जा कहाँ रहा है आखिर, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हालत पड़ी हुई है। पढ़े लिखे लोगों को देखिए आपकी, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, कहीं पब्लिक प्लेस ही था, एक बूढ़ी बिल्कुल माँ, मतलब घर से निकाल दिया हो, जो भी किया हो, जो भी हुआ हो, मुझे इतना पता नहीं, तो वहां सब लड़के निकल रहे थे कोचिंग से, क्लास से, तो वो भीख मांगते रहते हैं, आपने देखा होगा, तो लोगों को उनके कई लड़के लड़कियां, मतलब उन्हें बदबू आ रही थी उस माँ से, मतलब बूढ़ी यार, हमारे साथ भी स्थिति हो सकती है, आज मुझे नहीं पता है ना आपको पता है, हो सकता है उस माँ से बुरी स्थिति हम लोगों की हो, समझ रहे हैं आप लोग? और उल्टा सीधा मत बोलिए, अगर आपके पास नहीं है किसी की मदद करने की औकात आपकी नहीं है, और भगवान ने आपको मदद करने लायक नहीं बनाया है, तो भगवान के लिए उसे उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं आपको, ठीक है? और क्या उखाड़ लेंगे उससे, नफरत करके, उसे उल्टा सीधा बोलकर, एक इंसानियत रखिए।
अभी भी इंसानियत है, उसे बनाए रखिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा आप VIP स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है पढ़ाने का? अगर बच्चे आप ठीक है जोड़ कर रख दीजिए उनके पास अरबों खरबों जो भी आपकी पूरी संपत्ति, अगर उनकी औकात नहीं होगी वो मिटाना चाहेंगे एक दिन में मिटा के रख देंगे। आप कितने भी, आपको नहीं कई ऐसे परिवारों को देखा है जिसने जिनके बाप दादा कमा कमा के और इज्जत सम्मान कमा के मर गए और उन लोगों ने आके एक पल में पूरा खत्म कर दिया। तो ये नहीं है कि शिक्षा या संस्कार या इस तरह की अपने बच्चों को देना स्कूल में जाकर ही मिल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप घर में रह रहे हैं बच्चे, उन्हें भी आप संस्कार दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और अभी लॉकडाउन के चक्कर में आप 3-4 महीने का टाइम मिला हुआ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप तब भी तो दे सकते थे शिक्षा उन्हें अच्छी, उन्हें समझा सकते थे बेटा क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है और क्या उखाड़ लोगे? 70 से 80 साल, 100 साल, से बहुत 150 साल मान लीजिए आपकी उम्र बहुत है, 150 साल जी जाओगे, मरोगे तो क्या स्थाई आपका धरती पर यहां लिख गया है कि आपका हमेशा जीता जिंदा बने रहोगे? तो इंसानियत निभाते रहिए, ये जिंदगी मतलब कुछ उद्देश्य तो दिया गया है, भगवान ने आपको जन्म दिया है इंसान का, तो कुछ उद्देश्य तो रहा होगा आपका। एक गाय को देखिए, एक कुत्ता की बेहतर स्थिति है हम लोगों से, कुत्ते को आप खिलाते हैं घर में रखते हैं तो वो अपना धर्म निभाता है, आपकी सुरक्षा करता है। एक गाय को हम लोग खिला रहे हैं तो वो दूध दे रही है, अपना धर्म निभा रही है। लेकिन हम इंसान अपना धर्म पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम अपने बच्चे को VIP स्कूल में भेजते हैं, बच्चे तो पढ़ लिख कर ठीक स्थिति में पहुंच जाते हैं लेकिन उनमें इंसानियत का नाम का कुछ शब्द ही नहीं रहता। उन्हें कुछ भावनाएं, मतलब किसी के प्रति किस तरह से भावनाएं रखनी है, व्यवहार कैसा रखना है, इस तरह के कोई देखने को नहीं मिलते। अभी स्थिति आप देख सकते हैं अपने बच्चों की, जो भी अपने कॉलेज लाइफ देखी है और भी देखी है जहां भी आसपास अपने, किस तरह से बच्चों की स्थिति हो चुकी है। अपने बाप माँ बाप के साथ रहने में भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है, अपने माँ बाप के साथ अगर माँ बाप को साथ ले जाने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। अभी आपने देखा होगा कई आर्टिकल, आप जुड़े रहिए सोशल मीडिया से, आप लोग अच्छी सुविधा हो गई है आपके पास, तो कभी देखिए आप लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे परिवारों के माँ बाप अनाथ यानी कि वृद्धाश्रम में मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा। अभी कुछ ही दिन पहले एक कोई कथावाचक है आपकी, एक कोई लड़की है, मैं एक दिन सुन रहा था उन्हें, तो उसका भाई छोटा होगा 5 से 6 साल का था, बोली कि वो मेरा, मैं बोल रही थी कि वो अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए ऐसा वैसा, मतलब भाषण उनका काम ही कथावाचकों का यही बोलना, तो बोली लड़कों के लिए मैं बोल रही थी पर्टिकुलर एक समूह को लेकर लड़कों को। तो मेरे भाई ने रात में पूछा मुझसे कि दीदी अगर ऐसा है तो लड़के शादी से पहले क्यों नहीं घर से निकाल देते हैं अपने माँ बाप को? तो बोली कि मुझे रात में नींद नहीं आई, मैं सोचती रही कि हाँ ये बात सोचने वाली है कि मतलब हम लड़कियां जब शादी होती है उसकी बात ही क्यों निकाला जाता है, उसके बाद ही माँ बाप की स्थिति खराब क्यों होती है? तो उसने खुद कहा कि मुझे लगता है कि लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और लड़कियां मतलब इसके लिए लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं किसी पर्टिकुलर का मतलब किसी समूह का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आपका आप पर निर्भर करता है, आप अपना कर्तव्य निभाएं या ना निभाएं, मेरा तो समझाना है इतना, वरना ना तो आप उखाड़ पाएंगे। ठीक है स्थिति आपकी आपकी जगह है, मेरी स्थिति मेरी जगह है और किसी की स्थिति किसी और की जगह है। देखिए भूख से ना तो आप मर रहे हैं ना कोई और, हो सकता है कि आप अगर हम या कोई और अच्छे रास्तों पर चल रहा है तो 10-20 साल जिए, हो सकता है आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप 200 साल जी जाएं, लेकिन आपके 200 साल जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उस व्यक्ति का 20 साल जी रहा है उसका मत है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया है और शायद भगवान भी उससे खुश होगा कि उसने इसे इंसान का जन्म देकर कुछ गलत नहीं किया है, समझ रहे हैं आप? तो मतलब इतना तो इंसान है, अपनी लड़की है या लड़का कुछ समझाइए तो, मतलब उन्हें सही रास्ता किस तरह से, मतलब एक परिवार होता है क्या होता है, क्या जिंदगी है क्या होता है। देखिए इस धरती पर किसी का स्थायी अस्तित्व ना तो रहा है और ना ही रहेगा, आज जो आप करते हैं वही इतिहास में लिखा जाता है। अगर आपकी तरह ही
हमारे स्वतंत्रता सेनानी अगर आंख बंद करके तमाशा देख रहे होते तो शायद आज हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। ना बोलना बोलना आप पर निर्भर करता है, आप बोलें या ना बोलें। इतना तो लेकिन समझाएं कि एक सोचिए, आप ही सोचिए कि एक लड़की अपने माँ बाप को बहुत चाहती है, तो क्या उसका एकता नहीं बनता है कि जहां उसकी शादी होती है तो उस परिवार में उस माहौल में रहे और उन माँ बाप को अपना माँ बाप माने, उनकी सेवा करें। आपके जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करने के लिए आपकी बाप भाई की बीवी आएगी, पत्नी आएगी, वो सेवा करेगी। अगर इस चक्र को हम लोगों ने फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी। आप जिस भी घर में जा रही हैं उस घर में अपने उन माँ बाप समझिए उन्हें, और आपके घर में जो आएगी आपके भाई की पत्नी वो आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझेगी। इस तरह से एक चक्र चलता रहेगा और बहुत बढ़िया दुनिया रहेगी। लेकिन लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं इस चक्र को। चलिए फिलहाल अपना काम करते रहिए, देखते हैं कितने साल जीते हो। खोखली शिक्षा प्रणाली, बिखरते लोकतांत्रिक सिद्धांत, बढ़ती असहनशीलता और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करना उस नए भारत को सदियों पीछे लेकर जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कहीं बापू का प्रचार भी देखा था, आसाराम बापू, किसी गाड़ी पर पीछे लिखा हुआ था कि बापू मैं तेरे साथ हूँ, मतलब क्लियर हो गया है, सजा भी मिल चुकी है। उसके बाद भी देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से भक्ति की जा रही है। अगर हम लोग भारत में शिक्षा की स्थिति की बात करें तो जब मानव संसाधनों के विकास पर रणनीति की बात आती है तो हमारी चुनौतियां सिर्फ में उलझ कर रह जाती हैं। जैसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 18% और उच्च माध्यमिक में आपका 15% शिक्षकों की पद खाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2016 में पहली कक्षा के 46.1% बच्चे अक्षर नहीं जानते थे। 2015-16 में स्कूल बस उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया खर्च अन्य सभी ब्रिक्स देशों में से सबसे कम था। भारत ने अपने जीडीपी का 3% शिक्षा पर खर्च किया, जबकि रूस ने 3.8%, चीन ने 4.2% और ब्राजील ने 5.2% और दक्षिण अफ्रीका ने आपका 6.9%। आप सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका एक गरीब देशों की श्रेणी में आता है, यानी कि स्थिति उसकी ठीक है, काम चलाओ, लेकिन आपसे उसकी भी बेहतर स्थिति है। आप 3% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर और वो आपका 7% के करीब आपका खर्च कर रहा है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि 3 अगर हमारे यहाँ सुविधाएं मिल जाए हर किसी को तो आपको किसी तरह से मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचिए एक शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से फ्री हो जाए, दूसरा आप सोचिए कि स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से फ्री हो जाए। एक प्रशिक्षण, मैं ना पक आपका भारत का कोई भी नागरिक हो या फिर भारत की स्थिति हो, आपकी डटी तो इन्हीं 3 व्यवस्थाओं पर है कि आप अगर किसी को पढ़ा लिखा कर देते हैं, स्वास्थ्य उसके लिए फ्री कर देते हैं, तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस तरह के कोई मामले उठे भी नहीं है। 2002 में आपने देखा है कि शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन किस तरह से मिला हुआ है आप भी जानते हैं। स्कूलों में आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बजाय लोग घर में बैठाना पसंद करते हैं क्योंकि स्कूलों की हालत जा रहे हैं। कई स्कूलों के शिक्षकों की तो ये हाल है सरकारी कि उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, अपने राज्य की राजधानी पता नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उस स्कूल की क्या हालत रही होगी और उन बच्चों के भविष्य में भविष्य की क्या किस तरह से बैंड बजाया जा रहा है, इससे आप लोग सभी परिचित हैं। और कभी आप लोग सरकारी स्कूलों के हाल जानना हो तो उन्हें जाकर देख भी सकते हैं। इन कमियों के एक तरफ रखकर अगर हम अपनी उपलब्धियों पर ही नजर डालें तो उपलब्धियां भी आत्मालोकन की मांग करती हैं। मसलन शिक्षा की जितनी भी व्यवस्थाएं हमने की हैं, संस्थाओं की स्थापना की है, आधुनिकता के आवरण में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने के लिए प्रयासरत हैं, तो फिर हाल ही में घटनाएं हमें क्या इशारा करती हैं? यह स्पष्ट है कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों से अभी बहुत दूर हैं तथा कहीं ना कहीं हम शिक्षा तथा साक्षरता में अंतर स्पष्ट करने में भी असफल हैं। एक बात सोचिए आप लोग कि आप लोग कभी
कंपटीशन की बात करने लगते हैं, बराबरी की बात करने लगते हैं। तो आप सोचिए आप किससे करते हैं, चाइना से करिए, चाइना से, अमेरिका से करिए, ब्रिटेन से करिए, जापान, सिंगापुर से करिए, ऐसे विकसित दोस्त देशों से करिए ना। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान से करने लगते हैं, बांग्लादेश से करने लगते हैं, भूटान से करने लगते हैं, म्यांमार से करने लगते हैं, जो अफ्रीका के देश हैं उनसे बराबरी करने लगते हैं। तो यार मतलब आप सोचिए कि आप वही हाल है कि एक आपका बच्चा पढ़ रहा है वीआईपी स्कूल में, और एक बच्चा बिल्कुल गरीबी से पला पोसा है, और किसी सरकारी स्कूल में आप जाके अपने बच्चे की बराबरी उससे करने लगते हैं। तो ये तो भेदभाव है ना, बड़ा लंबा चौड़ा गैप है आपके भी। अगर आपको करनी है तो अपने बराबरी का देखिए ना, अपने बच्चे की बराबरी का। और हम अंधभक्ति भी बड़ी अच्छे से दिखाते हैं। एक बार पाकिस्तान के बुरे बारे में एक दो शब्द बोले आपके किसी नेता ने, आप उसके भक्त बन जाते हैं। देखिए पाकिस्तान को हराकर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं कभी भी। आप सोच रहे हो आगे बढ़ जाएंगे हम, पाकिस्तान को हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो अपनी जगह, उसके लिए सेनाएं हैं, आपकी जरूरत नहीं है वहां देशभक्ति दिखाने की जगह। आप लड़ने नहीं जा रहे हैं, वहां आपकी सेनाएं हैं, उनका कर्तव्य है, वो अपने यहाँ कर्तव्य बेहतर तरीके से निभा भी रहे हैं। आपका है कि देश में किस तरह से नेता चुनना है, ईमानदार चुनना है या नहीं। आप देखिए कि सबसे शर्म वाली बात तो यही है कि 70 से 75% दागी नेता आपकी सांसद और विधायक बने बैठे हुए हैं, जिनमें आपके बलात्कारी शामिल हैं, जिनमें डकैत शामिल हैं, जिनमें जिन्होंने हत्याएं की वो लोग शामिल हैं, फिर भी आप उन्हें बड़े गर्व से चुन रहे हैं। अब सोचिए उनसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, वो अपने बच्चों के लिए तो वीआईपी स्कूलों में भेजे हुए हैं, वीआईपी स्कूल उनके बच्चों के लिए खुले हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है ये आप खुद देख सकते हैं। शिक्षा तथा समाज में विपथगमन का कारण की अगर बात करें तो आध्यात्मिक तत्वों तथा नैतिकता विहीन शिक्षा, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप भौतिक गुणों से ही इस से ही पुष्ट है, और आध्यात्मिक तत्वों तथा नैतिकता से विहीन, और यही कारण है कि व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर खोखलापन, नकारात्मकता और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी सुशांत सिंह लोग आत्महत्या कर जैसे एक कदम उठाने पर विवश हो जाता है। यह शिक्षा व्यवस्था के तंत्र की कमियों को उजागर करने के साथ ही उस शैक्षणिक दृष्टिकोण पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है कि कहीं ना कहीं यह नैतिकता विहीन शिक्षा प्रणाली सुशांत सिंह जैसे लोगों को जीवन की विषम परिस्थितियों की जीवटता नहीं सिखा पाती है। एक बात आप लोग सोचिए, क्या सोचना है कि आपका किसी भी पीसीएस देखा होगा, फिर चाहे आपने सिविल सर्विस में, एक पेपर 4 बनाया गया है, पूरा नैतिकता पर ही आधारित है, यानी कि आपको इंसान बनाते हैं बेहतर, पूरा आपके आपको बेहतर इंसान, किस तरह से आप अधिकारी के रूप में कर्तव्य है आपका, किस तरह से इंसानों के प्रति आपका कर्तव्य है, किस तरह से आपको अपनी इंसानियत दिखाना चाहिए, कहाँ आपको मानवता, किस तरह से आपको रहना चाहिए, ये पूरा इसी पर है, आपका पूरा पेपर दिया हुआ है। एक आप देखते हैं अंधविश्वास ही धर्म पालन, यह भी राज धर्म निरपेक्ष है, यानी कि राज्य का कोई किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता है, यानी कि धर्म निरपेक्ष है, उसके लिए सभी धर्म बराबर है। परंतु समाज में अंधविश्वासी धर्म पालन के फलस्वरूप 21वीं सदी में यदि आज भी लाखों शिक्षित लोग ढोंगी बाबाओं को गुरु का दर्जा देकर पूछते हैं और सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था किस प्रयोजन की पूर्ति कर रही है। जब हमारी शिक्षा प्रणाली बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक सोच और विवेक को विकसित करने में अक्षम सिद्ध हो रही है, तो हम नई संस्थाएं स्थापित करने करके भी क्या प्राप्त कर सकेंगे। आप सोचिए कि देखिए गुरु बनाइए, किसी को पूजिए, ये अच्छी बात है और आपको करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम किसी के प्रति अंधभक्ति रख लेते हैं, फिर चाहे किसी महात्मा के प्रति हो, या फिर किसी नेता के प्रति हो, या फिर किसी और के प्रति हो, तो हमें उसकी जो भी कमियां रहती हैं सामने वाले में, उसकी कमियां दिखना बंद हो जाती हैं, बस उसकी अच्छाई दिखती है हमें, समझ रहे हैं। तो अंधभक्ति भी अंधविश्वासी भी एक तरह की बीमारी है, और आपके देश को अगर पीछे गया है तो ये भी एक कारण बना हुआ है। लोकतंत्र की यथार्थ समझ में कमी, जब 70 वर्ष के परिपक्व लोकतंत्र में आज भी स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने पर गोली मारने की घटनाएं हो रही हैं, और इस पर भी एक बड़ा संवेदनहीन होकर सुख की अनुभूति कर रहा हो,
तो ऐसी शिक्षा कैसे समाज की संरचना करेगी, यह गंभीर प्रश्न है। यह शिक्षा समाज को लोकतंत्र के मायने में नहीं सिखा पा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में परस्पर विरोधी बातों को भी चर्चा परिचय परिचर्चा की विचारधारा मानता है, और समरसता, पारस्परिक सद्भाव और अलग अलग मतों को भी सम्मान देने में यदि हम विफल हो रहे हैं तो यह हमारी शैक्षणिक और सामाजिक विफलता को ही इंगित करते हैं। एक बात सोचिए आप लोग कि अगर सभी पत्रकार चाटुकारिता की श्रेणी में आ जाए तो आपको सही गलत में कोई फर्क ही नहीं पड़ा पता चलेगा। आपको तो समाचार वो दिखा रहे होंगे जो सरकार चाहेगी, और सरकार वही चाहेगी कि उसकी वोट बैंक जो है उसकी राजनीति की रोटी सिकते रहे। और एक बात सोचिए कि अमेरिका के बारे में मैंने बताया हुआ था कि अमेरिका में वो आपके देश में कितना फर्क है। आपके देश में उन लोगों को गरीब माना जाता है जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए, समझ रहे हैं, और अमेरिका में उन लोगों को गरीब माना जाता है जो 35 से 40 लाख की एक कार नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि जिसके पास कार नहीं है चलाने के लिए, घूमने के लिए, उसे गरीब की श्रेणी में रखा गया है। तो आप अपनी स्थिति को उनकी स्थिति को जान सकते हैं, आपकी और उनमें स्थिति जमीन आसमान का फर्क है, और फिर भी हम लगे हुए हैं कि हमारा देश कितना आगे पहुंच चुका है, हमारे देश के नेता कितने महान हुए। याद रखिए, आपको याद होना चाहिए कि जब 1947 में हम आजाद हुए तब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक मतलब सरकार बनी, उसमें आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया गया। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के कई विचारों पर मतभेद रहते थे, फिर भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी तरह आपने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी शामिल किया गया था। और आज की राजनीति को आप देखिए कि नेता, कोई भी नेता हो, उस गलत सुनना, अपने बारे में कमियां सुनना पसंद ही नहीं करता है। और उस समय के नेताओं को देखिए, उस समय के नेताओं को आप एक और देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक कार खरीदने के लिए लोन लिया था, और जिनके मरने के बाद इंदिरा गांधी ने उनका लोन माफ किया था, यानी कि एक प्रधानमंत्री के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक कार ले सके और अपने बच्चों को घुमा सके। आज के विधायक को छोड़िए, सरपंच को देख लीजिए, एक बार वो पंच सरपंच बनता है तो एक फॉर्चूनर खरीद लेता है और 2-4 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है। विधायक की तो अलग बात है, आप सोचिए, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले इतना था कि पहले आपका पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होता था, और आज नेता अपने पेट भर रहे हैं। तो इसमें आप सोचें कि नेताओं की गलती है, नेताओं की गलती नहीं है, जितनी नेताओं की गलती है उससे ज्यादा आपकी गलती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार है, ये मतलब करप्ट है, फिर भी आप उसी को वोट दिए जा रहे हैं, ये तो आपकी गलती है ना। आपको मालूम है कि आगे कुआ है, फिर भी आप उसी में जाकर गिर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। इस बार दिल्ली सरकार का मैंने बढ़िया देखा है, दिल्ली की जनता का भी बढ़िया, बुरी बहुत अच्छी तरह से देखा है कि देखिए गरीब को क्या चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, तीन चाहिए उसे, उसके बाद उसे किसी से मतलब नहीं है किसी। तो आप सोचिए दिल्ली सरकार ने दिया, और उसके बाद देखिए जनता को, वफादारी को जनता की, कि जनता ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दोबारा सत्ता में लाया है वो याद रखने योग्य है। आप सोचिए आपके होम मिनिस्टर साहब भी और कई मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आए, और फिर भी आपने देखा है किसी भी पार्टी को बहुमत की छोड़िए 1-2% भी अच्छी तरह से वोट नहीं मिल पाए, मतलब बहुत बुरी तरह से, कई लोगों की तो जमानत जब्त हो चुकी थी। सबसे बुरी स्थिति तभी मुझे तब भी लगी कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, पहले इनका नेचर बहुत बढ़िया रहा, लेकिन फिर उन्होंने एक आया गया गयाराम की बात नहीं होती थी कि आज इस पार्टी से गठबंधन कर लो उस पार्टी से, इसलिए उनकी स्थिति बहुत गिर चुकी है। लेकिन आपने देखा होगा वो कह रहे थे कि हमारे बिहार में आकर देखिए, आपने भाषण सुने हो उस समय के, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे बिहार में आकर देखिए स्कूलों की स्थिति कितनी वीआईपी है, तो मतलब शर्म भी नहीं रहती है कुछ कि दिल्ली के स्कूलों में और आपके यहाँ के स्कूलों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके यहाँ गरीबी देखिए सबसे ज्यादा बिहार में गरीबी है, सबसे ज्यादा अशिक्षा है, और फिर भी आप उसका उदाहरण दे रहे हैं दिल्ली के सामने।
इस बार का रिजल्ट आपने उठा के देखा होगा, 97 से 98% रिजल्ट रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का, यानी कि प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने। फिर आपका वैश्वीकरण तथा शिक्षा का व्यापार, वैश्वीकरण के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने की मनोभाव में ने शिक्षा शिक्षार्थी व शिक्षा प्रदाताओं दोनों को ही प्रभावित किया है। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता खराब है तो निजी विद्यालय शोषण का संसाधन बन चुके हैं। ऐसे में इन दोनों समस्याओं से ग्रस्त शिक्षार्थियों सेवार्थ के स्थान पर लावार्थ की शिक्षा ग्रहण करता है, जो राष्ट्र के भविष्य के दूसरे दिशा में ले जाती है। यह मात्र औपचारिकता ही लगती है, क्योंकि शिक्षा हमें मात्र यात्री बनाकर आर्थिक समृद्धि की ओर उन्मुख करने में लगी हुई है। आप सोचिए कि आपके हर किसी के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, समझ रहे हैं आप लोग? जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, वो अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दिलवा पाएगा, प्राइवेट स्कूलों में? अगर आप सोचिए कि पूरी तरह से फ्री हो जाती शिक्षा स्वास्थ्य, तो किसी को कोई परेशानी होती, कोई बिना परेशानी ना होती हो, कोई बिना शिक्षा के ना रहता, आप ही सोचिए कि कोई स्वास्थ्य से यानी कि बीमारी से ना मरता। क्योंकि नेता होते हैं जो इसके पास पैसा है वो विदेश तक चला जाता है इलाज करवाने के लिए, और जो गरीब होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप श्री भगवान राम को मान रहे हैं, तो श्री राम अगर इस समय होते तो वो कभी ना इस तरह से भेदभाव देखते। रामराज की जिसकी बात करते हैं आप लोग, ये रामराज कभी नहीं हो सकता है। मुझे तो 70 साल में कभी रामराज का मुझे नहीं लगता है कि कहीं रामराज दिखा हो आपको। रामराज का मतलब होता है कि फिर कोई भी धर्म का हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाना, फिर चाहे गरीब हो सभी के लिए बराबर द्वार खोले जाना। और किस तरह से आपके द्वार खुले हुए हैं इसे आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इस समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है, जो सभी अभी तक हम लोगों ने समस्याएं देखी हैं, तो इन समस्याओं के हल हेतु एक सशक्त दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता है। जिस प्रकार योग बढ़ावा और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा इन पहलों में जन भागीदारी की भी सुनिश्चित की जा रही है, उससे निसंदेह शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसके साथ शिक्षा में नैतिकता और लोकतांत्रिक आयामों को प्रायोगिक रूप से अनिवार्यता प्रदान की जाए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल परीक्षा में नैतिकता तथा अभिव्यक्ति को शामिल करना एक अच्छी पहल है। मैं जिसकी बात कर रहा था पेपर 4 की, इसे यही है वो एथिक्स। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर शैक्षणिक अंतराल को समाप्त कर किया जाए। इसके साथ ही शिक्षा तक लोगों की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। लास्ट में आप कह सकते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ चरित्र निर्माण करने से संबंधित है। वास्तव में यह सही अर्थों में मानव पूंजी में निवेश करता है। ऐसा करने से ही विद्यार्थी जीवन में नीति नई चुनौतियों और समस्याओं से लड़ना सीखते हैं और विजेता बनकर उभरते हैं। हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे उदाहरण हैं, जिन्होंने सामाजिक एकता, सद्भाव और आत्मिक उन्नति के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा से नए भारत की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। इन झकझोर देने वाली घटनाओं से सीख लेकर हमें अपने विकास पथ पर अग्रसर होना होगा। इस हेतु आवश्यक है कि हम शिक्षा में नैतिकता के आयामों को लाकर शिक्षा व समाज की विपथगमन को समाप्त कर सकते हैं। मुझे वही पुराना जमाना की वो नहीं आती थी कि घड़े हुआ करते थे मिट्टी के, लेकिन उनमें पता है थोड़ी सी चोट पहुंचती थी तो वो टूट जाया करते थे। इसी तरह उस घड़े के समान उस समय का व्यक्ति भी हुआ करता था। किसी का थोड़ा दर्द देखा तुरंत वो उसका पिघल जाया करता था। एक समय होता था कि किसी के गाँव में अगर किसी के घर में कोई कथा भी हो रही है तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता था। किसी के ऊपर कोई विपत्ति है, किसी के साथ कोई दुख है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था। इस समय आप देखिए कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कक्षा शुरू से ही, प्राइमरी कक्षाओं से ही एक तरह से एक पाठ शुरू कर देनी चाहिए, किताब इंसानियत, नैतिकता, मानवता, इस तरह की। और शुरू से लास्ट तक जब तक आपकी शिक्षा खत्म नहीं होती है तब तक इसे चलते रहना चाहिए।
आप इसकी जगह मैथ ना पढ़ें, इंग्लिश ना पढ़ें, चल सकता है, लेकिन अगर आप इंसानियत ना रहे आप में, तो कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। हमने देखा है कि वो हमारी संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति रही है भाईचारे की, उसे विदेशी अपना रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग विदेशी सभ्यताओं को अपना रहे हैं। तो चाहे आप लोग रहन सहन का ले लीजिए, पहन कपड़े का, पहनने के पहनावा ले लीजिए, अपना कुछ भी ले लीजिए। पहले की बात अलग थी, आप देखिए कि एक गरीब के घर में भली भली उस लड़की का दुपट्टा फटा हो, कपड़े फटे हो, लेकिन उसके शरीर पर रहता था दुपट्टा, समझ रहे हैं? मतलब घर में एन कुछ फटा हो कि नहीं, उसके पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने इज्जत पूरे सम्मान से रहा करते थे। सबसे हंसी तो उस वक्त आती है, आप सोचिए कि कोई ठीक है, आपकी स्थिति, आप महान है, जो भी हैं, जो भी उखाड़ रहे हैं सही उखाड़ रहे हैं, लेकिन बदबू किसी किसी बूढ़ी माँ से, किसी भी, अगर उसके पास कपड़े नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे आपको नफरत करने का कोई अधिकार है। ठीक है, आपकी महानता है, आप ठीक है, जो भी स्थिति है, उखाड़ी है जो उखाड़ पकड़। देखिए अभी हमारी स्थिति का कोई पता नहीं है, आगे चल के क्या स्थिति बनती है, लेकिन मुझे, मेरा मानना यही है, इंसानियत लेकर चलिए, जो मिले अच्छी बात है, ना मिले अच्छी बात है, कम से कम भगवान तो खुश रहेगा, अगर आप भगवान को मानते हैं कि आपको जन्म देकर इंसान का उसने कोई गलती नहीं की है। थोड़ी बहुत रखते रहिए इंसानियत, और बाकी हैवानियत दिखानी है तो दिखाते रहिए। आज जैसे कई महान आए, कई चले गए, आज नाम भी पता नहीं किसी को, और इतनी बुरी तरह से मरते हैं ये लोग कि सड़ सड़ के मरते हैं, कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता है आसपास। तो अपनी स्थिति को समझिए, और जिस उद्देश्य को अपना लेकर आए हो कि चलते जा रहे हो, उस कुत्ते की तरह भागते जा रहे हो, वो तो चलिए अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। आपकी क्या स्थिति है? आप भी अपने मालिक के प्रति तो वफादारी निभाइए। चलिए, बहुत बात हो चुकी है, आपके पेपर 4 में बहुत काम देगा ये, ठीक है? और अपने बच्चों को सिखाते रहिए, इतना टाइम मिल रहा है आपके पास इतना।